या गुड मॉर्निंग अतुल, संस्कृति आ चुकी हैं और अंशु, सौरव, अंजलि, ओके, स्नेहा और अंकुर, ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए, यहाँ पे मैं आपके साथ अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे आज मेरा टॉपिक है एसी जनरेटर का, और एसी जनरेटर ही डिस्कस करूँगा. तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा साइड. और आपको पता है एसी जनरेटर में, हालांकि आपने इससे 10th क्लास में अपने इस टॉपिक को स्टडी भी किया होगा एसी जनरेटर को, तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको एसी जनरेटर का स्टडी करना है. और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक ही है. तो देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट. जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ एसी जनरेटर. तो ये यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दिया है एसी जनरेटर. और देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या इस पे स्टडी करनी है. सबसे पहले जनरेटर होता क्या है. जी हाँ, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, सारे प्रेजेंट हैं, तनुज भी आ गए हैं, सुमित भी आ गए हैं, ओके. तो अब
चलिए अब कोई बात नहीं, अब मैसेज बॉक्स में कुछ नहीं करना हमें। मैं सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, और एसी जनरेटर से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसी जनरेटर सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको डायनेमो भी बोलते हैं। तो एसी जनरेटर एसी जनरेटर और डायनेमो, राइट, ये एसी जनरेटर या डायनेमो जो है इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये तो आपको भी पता है। विच कन्वर्ट्स which converts mechanical energy into electrical energy, ये सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे डिवाइस का यूटिलाइजेशन है कि उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। एक्चुअली द नेम ऑफ जनरेटर इज मिस नॉर्मल नेम ऑफ जनरेटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द नेम ऑफ जनरेटर इज द name of generator क्या नाम है, एक्चुअली जनरेटर का नाम जो है वो है मिस नॉर्मल, ये नाम होता है because it does not generate any energy। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज इट डज नॉट जनरेट, क्योंकि डज नॉट जनरेट एनी एनर्जी। ये तो आपको भी पता है कोई एनर्जी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है एक एनर्जी का दूसरे फॉर्म में, ये कन्वर्ट कर रहा है, जनरेट नहीं कर रहा है ना। और एसी जनरेटर ही एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे आपको बताऊँगा अभी कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं और देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अब आपके पास जो सबसे पहली चीज़ आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, अगर आप बता सकते हो तो मेरे मैसेज में आप अपने चैट बॉक्स में जाके इसके प्रिंसिपल को बता दें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। मैं एक वर्ड में यहाँ पे इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे लिखना जा रहा हूँ, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। आपको अब इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि व्हेन
when a closed coil या क्लोज लूप भी हो सकता है, ठीक है, जो भी क्लोज कॉइल है इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its axis perpendicular to the magnetic field the magnetic flux linked with coil changes and induced EMF hence current is set up. इस तरह से यहाँ पे करंट सेट होता है. सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कुछ चीजों को मार्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि When a closed coil is rotated, अब आपको closed coil जो rotate कर रहा है तो इसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा. Closed coil is rotated, अभी मैं इसकी working को समझाऊँगा तो समझ में आ जाएगा. उसको uniform magnetic field में अगर आप placed करते हो और इस तरह से कि वो magnetic field के axis के perpendicular हो, तो magnetic flux जो linked होती है उस coil से उसमें changes आता रहता है. कभी कम होता है, कभी मैक्सिमम होता है, इस तरह से उसमें चेंजेस आता है. और उस कारण से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को सेटअप करने के लिए. बिल्कुल क्लियर है? अगर फ्लक्स में चेंजेस आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा करंट कैरिंग कॉइल के, जो करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंजेस आएगा. और फ्लक्स में चेंजेस तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच से ये कॉइल जो है लगातार रोटेट करता रहेगा, जिसके कारण कि उसमें कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो उसके उस कॉइल के अंदर से जो फील्ड लाइन्स पास हो रही है, कहीं पे कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं पे मैक्सिमम होगी, कहीं पे एवरेज होगी, तो इस तरह से उसमें वेरिएशन आती रहेगी. और इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे करंट सेट हो जाता है, करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है. तो प्रिंसिपल आपने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया जा रहा है क्योंकि मैग्नेट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. जी हाँ, मैग्नेट के इंड्यूस्ड होने से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. ठीक है, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन पे आना चाहूँगा और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँगा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. तो अब हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन में किस किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो देखना है हमें. कंस्ट्रक्शन में किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ. ठीक है, तो देखिए हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें किन किन पॉइंट्स में यहाँ पर ध्यान देना है तो उसके बारे में नंबर वन में मैं बताना चाहूंगा. नंबर वन है हमारा फील्ड मैग्नेट.
नंबर वन हमारा फील्ड मैग्नेट, नंबर टू है हमारे पास आर्मेचर, क्योंकि देखिए आर्मेचर जो होता है ये इसके कंस्ट्रक्शन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्मेचर क्या होता है, ठीक है। नंबर थ्री जो पॉइंट्स है वो है आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। और मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास है स्लिप रिंग्स। नंबर फोर जो है वो है ब्रशेस, नंबर फोर जो है वो है ब्रशेस। और नंबर फाइव जो है वो है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इससे पहले कि इसको मैं डिस्कस करूं, आपको इसके कंस्ट्रक्शन पे लेके आता हूं कि कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होगा वो देखते हैं हम। तो चलिए यहां पे आपको पहले एक बार कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं मैं। ये पॉइंट्स इसी कंस्ट्रक्शन के साथ यहां पे मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा आपके साथ। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो है वो देखेंगे ध्यान से कि कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। आपने एक तो आप मैग्नेट ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैग्नेट दिखा देता हूँ आपको कि मैग्नेट आपको कैसा लेना है। कॉनकेव शेप का मैग्नेट चाहिए, जी हाँ, मैं पहले ही बता दूँ आपको, हमें कॉनकेव शेप का मैग्नेट चाहिए, ठीक है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे मैग्नेट दिखा दिया है आपके लिए, और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर लेंगे यहाँ पे हम, कि एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे साउथ पोल बना देता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास जो है साउथ पोल मिल जाएगा। तो एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरे तरफ साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल की तरफ व्यक्त करेगा, दूसरा साउथ पोल की तरफ। बीच में जो मैं यहाँ पे आर्मेचर बना रहा हूँ, तो आर्मेचर देखेंगे कि आर्मेचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर आप कह सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर आपको लूप चाहिए। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर लूप है। और इसको ये जो आर्मेचर है इसको आप बाय नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इसके जो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो यहाँ पे आप लिख दो ये P है, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया, पी क्यू आर एस करके यहाँ पे दिखा दिया। इवन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इसमें जो पास कर रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ अलग कलर से मैंने जानबूझ के दिखाया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्लियर। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो गई आपकी नॉर्थ से साउथ के लिए, और ये जो आपका है ये मैग्नेट जो होगा ये परमानेंट मैग्नेट आप कहोगे इसको, ठीक है। ये मैग्नेट जो होगा इसको आप बोलोगे परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों ही मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होंगे। और इसके साथ साथ ये जो रोटेट करेगा, ये क्वाइल जो रोटेट कराया जाएगा उसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है। तो इसको यहाँ पे एक लाइन में दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एक्सिस मैं कंसिडर कर दूंगा, और इसके अबाउट इसको रोटेट कराया जाएगा। ये मोशन है, ये मोशन है, ठीक है। और इसको ये जो पार्ट है इसको आप एक्सिस बोलोगे तो बेहतर होगा, ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसको रोटेट कराया जाएगा।
इसके साथ साथ यहाँ पे जो लगा रहता है, यहाँ पे दो स्लिप रिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो स्लिप रिंग यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्लिप रिंग, और इससे ठीक थोड़ा सा आगे एक, यहाँ पे एक वायर जो है आप थोड़ा सा आगे आप लेके आओगे, और यहाँ पे दूसरी स्लिप रिंग, तो यहाँ पे दूसरी स्लिप रिंग इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। ये दूसरी स्लिप रिंग होगी आपकी, और इससे एक वायर का कनेक्शन आप यहाँ से ले लो। यहाँ पे आप दिखा दो कि आपने यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया है, और दूसरा वायर को यहाँ से, एक स्लिप रिंग से और दूसरे को दूसरे से। एक में रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, ये बल्ब लगाना चाहो तो बल्ब लगा दो, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे करंट का फ्लो आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसको बोला जाए, इसको लोड रेजिस्टेंस बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लोड रेजिस्टेंस, राइट। और ये जो स्लिप रिंग है आपकी, इस स्लिप रिंग का भी नाम आप दे दो, यहाँ पे इसको लिख दो, ये पहला स्लिप रिंग है, इसको S1 से रिप्रेजेंट कर दो, ये S2 से। तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फील्ड मैग्नेट जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जा रही है, इसके लिए मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लगाया आपने, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ध्यान देना है आपको, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और वो भी कॉन्केव शेप में, इसलिए मैंने इस तरह का यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, परमानेंट मैग्नेट है, वो भी कॉन्केव शेप में। अब एक एक करके मैं, जैसे यहाँ पे आपको पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है फील्ड मैग्नेट, तो एक एक करके मैं एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर देना चाहूँगा डायरेक्ट। कंस्ट्रक्शन तो आपके लिए क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद आते हैं और इसके एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो है आपके लिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा ही था, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, फील्ड मैग्नेट, ठीक है, तो ये फील्ड मैग्नेट है। फील्ड मैग्नेट के बारे में क्या बताना चाहोगे आप, तो नंबर पहला जो आपने लिखा है फील्ड मैग्नेट, उसके बारे में मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर देता हूँ। फील्ड मैग्नेट, एक तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, परमानेंट मैग्नेट होनी चाहिए, हॉर्सशू मैग्नेट होनी चाहिए, हॉर्सशू शेप टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, जो स्मॉल छोटे से डायनेमो में भी सेट हो जाती है उस तरह का होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है, इन अ लार्ज डायनेमो, इन अ लार्ज डायनेमो। सबसे पहली बात, इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन टू पोल स्पीसीज, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू पोल्स। तो तीसरा जो होता है ये, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये बातें होती हैं। अब देखिए, जब आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया फील्ड मैग्नेट में। पहला कि ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लार्ज डायनेमो में यूज होता है, ये लार्ज डायनेमो के लिए यूज किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट ये था आपका, पहला पॉइंट ये था अगर कहा जाए। दूसरा पॉइंट में इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट आपका ये था कि इट इज़ ए परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट होती। बस तीन चीज़ों का यहाँ पे आपने जिक्र करना है और ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो है आर्मेचर का है, जैसा कि यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा हुआ है, नंबर टू जो है आपके लिए आर्मेचर का है, तो नंबर टू का यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखोगे ये है आपका
आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर क्वाइल, PQRS। इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर क्वाइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर क्वाइल having large number of turns, having large number of turns, ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। दूसरी बात, ये टर्न्स ऑफ अगर कर दिया जाए, किसका बना होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड ऑन, किस पे ये वॉन्ड होता है? तो सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो वॉन्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये जो क्वाइल है, इसमें तो अभी इस क्वाइल में आप देख पा रहे हो इसमें सिंगल टर्न्स ही है। PQRS जो मैंने दिखाया है एक सिंगल टर्न्स है, लेकिन टर्न्स तो और भी हो सकते हैं ना। तो टर्न्स कैसे हो सकते हैं? इस तरह का टर्न्स हो सकता है। आप नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब है कि आप एक टर्न को नहीं और भी टर्न्स को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। क्लियर सी बात है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसा मैंने लिखा है, एक पॉइंट तो यहाँ पे इस तरह का, देखिए जैसे एक टर्न ले लिया आपने यहाँ पे कॉइल का, दूसरा टर्न भी हो सकता है इस तरह से आप ले लो, और भी टर्न ले सकते हो। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के सिलेंड्रिकल इस पे जो बॉन्ड होता है सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा है कुछ भी यहाँ पे, देखिए इट कंजिस्ट यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ए रेक्टेंगुलर कॉइल, चूंकि फिगर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, लेकिन फिगर में जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स वो एक ही है, जो कि PQRS जो इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर पे वॉन्ड होता है, राइट। अब ये चीज तो आ गई। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, द कोर इज लैमिनेटेड ऑन, कोर को लैमिनेट किया जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, यहां पे लिख देता हूं, द कोर इज लैमिनेटेड, द कोर इज लैमिनेटेड। क्यों लैमिनेट किया जाता है? तो टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ एडी करेंट। और ये सवाल पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है वन मार्क्स में भी, कि भाई ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है यहाँ पे कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसको इस तरह से कि एडी करेंट को रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो एडी करेंट अवॉइड, कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए उसको वहाँ पे लैमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। और आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है, ये आर्मेचर जो है इसको रोटेट कराया जाता है इसके एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट में मैं यहां पे लिख देता हूं कि देखो पॉइंट्स आप देखते जाना, ये यहाँ जो पॉइंट्स यहां पे मैं फिर से आपके लिए दिखा रहा हूं, ये एक नंबर पॉइंट्स में आप लिखने वाले हो आर्मेचर के लिए, ये दो नंबर पॉइंट में लिखने वाले हो, और तीन नंबर पॉइंट में लिखोगे आप कि आर्मेचर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस या रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS आप लिख सकते हो यहाँ पे, आर्मेचर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस एन एक्सिस। अब ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है, ठीक है, और एंड which is perpendicular to the magnetic field, which is perpendicular to the
मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपका आता है, तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, देखिए आर्मेचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। ये दो पॉइंट क्लियर हैं यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर करके बता दिया है, ठीक है। अतुल का मैसेज है कि सर कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रू नहीं दिख रहा। ओके, आपकी वीडियो और आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक है अतुल, मैं उस चीज़ को देख नहीं पाया, मैं उसको थोड़ा सा मूव करा देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे, यहाँ से मैंने किराया था, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में जितनी पॉइंट्स मैंने लिखाए थे ये था कंस्ट्रक्शन का पॉइंट, और उसके बाद लगातार मैंने इसको कंटिन्यू किया है। फील्ड मैग्नेटिक, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रशेस, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं पॉइंट्स यहाँ पे, और ये चीज़ों को मैंने एक बार दिखा दिया। आप यहाँ पे इसको, अगर आपको दिक्कत आ रही हो, किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा हो, तो आप पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने दो पॉइंट को यहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया है, एक पॉइंट जो था आपका, जी हाँ, फील्ड मैग्नेट था, और दूसरा पॉइंट आपके पास जो है वो आर्मेचर का था। इस दोनों पॉइंट को देखिए, फील्ड मैग्नेट में मैंने तीन पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, वो मैं आपको, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि यहाँ पे मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है आप उसी ऑर्डर में लिखोगे, पेपर में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई ये इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है, और जो कि स्ट्रॉन्ग, एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है, दूसरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और पावरफुल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमें मिलना चाहिए वो मिलने का सबसे बड़ा इसका लॉजिक यहाँ पे होता है कि पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें ये प्रोवाइड कर देता है। दूसरी चीज़ जो हमने दिखाया आपके साथ, आर्मेचर, आर्मेचर जो कि रेक्टेंगुलर लूप है, पी क्यू आर एस है, जो कि लैमिनेटेड होता है, ठीक है, और इस, ये रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, और लैमिनेशन होने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये एडी करंट को रिड्यूस करे, कम्प्लीटली एडी करंट को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, लेकिन रिड्यूस कराया जाए, इसलिए ये लैमिनेट कर दिया जाता है। तो चलिए, इतने पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, अब फिर से उसको क्लियर करके मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे अगले पॉइंट पे आपको डिस्कस करके मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो अगला नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पे, तीसरा हमारे पास है स्लिप रिंग, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है तीसरा पॉइंट हमारा, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि स्लिप रिंग दिख रहा है, ये टच में रहता है, ये आर्मेचर के दोनों एंड के वायर से ये टच में रहता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो टू एंड्स ऑफ वायर, टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल जो है आर कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू किससे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो दोनों स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, तो टू को एक्सियल एक ही एक्सिस वाला ये भी होता है को एक्सियल, और ये जो बना होता है ये ब्रास का बना होता है, ब्रास रिंग S1 and S2 ये इसका ये बना होता है, ठीक है, और इसी को बोला जाता है कॉल्ड स्लिप रिंग्स क्योंकि दो है तो स्लिप रिंग्स बोलेंगे, ठीक है, इसका बना होता है, और ये एक शाफ्ट पे फिक्स्ड होता है, मतलब इसको ये ऐसा नहीं कि ये मूव करेगा ये भी घूमेगा, ऐसा नहीं है, ये शाफ्ट पे फिक्स रहता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिंग्स आर रिजिडली फिक्स्ड ऑन किस पे, तो यहाँ पे
सेम सॉफ्ट लिख दो आप, सेम सॉफ्ट, इस पे ये फिक्स रहता है। जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है ना, स्लिप रिंग आल्सो रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, द स्लिप रिंग ऑल्सो रोटेट अबाउट द स्लिप रिंग ऑल्सो रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब नेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ब्रशेस का। तो ब्रशेस के लिए मैं बता दूं ब्रशेस में क्या होता है। देखिए ब्रशेस सिर्फ उसको टच किया रहता है, ठीक है। तो ब्रशेस के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ब्रशेस का है, ब्रशेस उसको सिर्फ टच किया रहता है और स्लिप रिंग उससे बिल्कुल रब होती भी जाती है। और ये इसके बारे में बता दें, ये टू ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का बना होता है बिल्कुल, ये जान लो आप। तो टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड, टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस, इसी को ब्रशेस बोला जाता है। ये ब्रशेस हैं और ये टच में रहते हैं, जिसको B1 और B2 से हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ब्रशेज है इसको B1 से, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो इसमें टच में, रिंग के टच में, इसको B1 और B2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और हियर ब्रशेज B1 एंड B2 सोन इन फिगर, हियर ब्रशेज B1 एंड B2 shown in figure which is in contact with किसके साथ contact में है, तो slip ring के साथ, slip rings। और इसी brush के साथ जो है ये wire connected है, और यहाँ पे आप चाहे load लगा लो या bulb लगा दो, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे current मिल रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो है S1 एंड S2 जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, थ्रू दिस ब्रशेस करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, थ्रू दिस ब्रशेस current induced, यहां पे current induced होता है armature में, through these, यहां पे आप देखो through these brushes current induced current, यहां पे मैं लिख देता हूं induced current obtained ऑन लोड रेजिस्टेंस। डायरेक्ट ये एक बात क्लियर हो जाएगी, ऑप्टेन ऑन लोड रेजिस्टेंस, यहां
यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पे आपको इंड्यूस करंट जो कि उस कॉइल से रिलेटेड कॉइल में चेंजेस के कारण जो इंड्यूस हो रहा है करंट, वो करंट आपको लोड रेजिस्टेंस पे आपको मिलती है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी, देखेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आर्मेचर कॉइल जैसे ही अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना, तो जैसे रोटेट करता है तो वो रोटेट करने की तरह वो टर्बाइन की तरह मूव करना शुरू होता है और उससे दूसरा डिवाइस कनेक्टेड होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो टर्बाइन की होती है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस, रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन और एनी अदर डिवाइस connected to it or here rotational kinetic energy of turbine is converted into किसमें ये convert हो जाता है, तो into electrical energy। तो ये construction का part था और अगली class में आपको यहाँ से मैं बिल्कुल सीधा expression पे ले जाऊँगा जहाँ पे कि induced current कैसे induced होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा, right? तो यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर होगा, इसको अच्छे से देख लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने एसी जनरेटर बताया है, एसी जनरेटर में मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि एसी जनरेटर